ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। बाबा किसी ने बिल्कुल सही कहा है, जब भाइयों की शादी हो जाए तो बिल्कुल बदल जाते, बहनों की तो कदर ही नहीं करते। अरे बाबा ये कहा किसने? वो बाबा ग्रामर बेल है ना, उसकी कहावत है। अरे अभी चरी हो गई है बाबा, ग्राम बेल को लिखने वाला थोड़ी था, ग्राम बेल तो बहुत मशहूर क्रिकेटर था बाबा। अरे नहीं नहीं, वो शायर था, शायर। अरे बच्चों भाई, बच्चों भाई, बच्चों भाई, अभी तक आप यहाँ बैठे हुए, बैंक जाए पैसे निकलवाए, माल का ऑर्डर देना है। जाने तुम देख रहे हो कि हम लोग इल्मी बातें कर रहे हो और तुम्हें मालो दौलत की पड़ी हुई है। इल्मी बातें आप दोनों, खैर तो है, ये सूरज कहाँ से निकला, पता करो भाई। अरे बाबा क्या हम इल्मी बातें नहीं कर सकते? आप फिल्मी बातें नहीं कर सकते, इल्मी तो बहुत दूर की बात है। अरे ओ जानी, अब हम लोगों को ना जाहिल नहीं समझना, हम लोग शहर में आकर ना चालाक और होशियार हो गए। हाँ बाबा, तुम्हें पता है हम किस बात पे बहस कर रहे थे? ग्राम बेल पे बाबा। ग्राम बेल छोड़े, बैल की बात करें, जो हो सकता ना वो काम करो। जानी अरे बाबा, आधा बहुत बदल गया, अब ये मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं करता। क्यों? कब से कह रही मेरे को आइसक्रीम खाने, लेकिन आइसक्रीम नहीं ला के दे रहा। बच्चू भाई बड़े अफसोस की बात है, उसका आइसक्रीम खाने को दिल कर ला दे उसको। जानी बाबा कुछ समझाओ ना, इतनी गर्मी में कौन आइसक्रीम खाता है बाबा, एक तबीयत खराब हो जाएगी। मैं तो ख्याल कर रहा हूँ, ऊपर से कह रही था ख्याल नहीं करता है। हाँ हाँ, आइसक्रीम जनीना पागल हो गई, अभी इतनी गर्मी में कौन आइसक्रीम खाता है, अभी रुक जाओ, ओले गिरने दो, -15 के ऊपर जब टेम्परेचर चला जाए ना, फिर हम तुमको आइसक्रीम ला के देंगे। हाँ बाबा बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलो, गर्मी है तो फिर सूप पिला दो। हाँ बाबा, मैं सूप जरूर पिला दूंगा बाबा। एक काम करता हूँ, मैं बैंक जाता हूँ, पैसे लाता हूँ तुम्हारे लिए, और आदि के लिए मैं लाता हूँ सूप। अच्छा आदि है, बताओ उसमें एक अंडा डालना है, दो? नहीं, 4 अंडे, और क्योंकि बाबा गर्मी ज्यादा, 2 अंडों को तो पता भी नहीं चलेगा ना। अच्छा चलो जानी, आओ बाबा मेरे साथ आओ बाबा। आ जाओ आ जाओ, भाजाई के लिए नहीं लाना, सिर्फ मेरे लिए सूप लाना है। हाँ हाँ कोई इशू नहीं है, तुम्हारा जब दिल करे तुम आ सकती हो, और जितने दिन चाहे यहाँ रह सकती हो, कोई इशू नहीं है। हाँ हाँ, अपने हस्बैंड को भी साथ लेकर आओ, नहीं कोई प्रॉब्लम होगा। मैं ठीक है, अपने मैनेजर को बोल दूंगी, वो डील कर लेगा। ओके अल्लाह हाफिज़। भाजाई, किसका फोन था, किसे बात कर रही थी और कौन आ रहे? तुम क्यों पूछ रही हो, तुमसे मतलब? अरे एक बात बताओ, तुम क्या हर वक्त कान लगा के मेरी बातें सुनती रहती हो? अरे बाबा मैं तुम्हारी नंद हूँ, और नंद का फर्ज है कि वो अपनी भाजाई पे नजर रखे। मुझ पे नजर रखना छोड़ो और अपने काम पे तवज्जो दो। यही तो मेरा काम है, और मैं अपना काम ईमानदारी से कर रही हूँ। दिमाग मत खाओ मेरा फजूल में। सीमा मैडम, आपने बुलाया मुझको? हाँ जानी, वो इस्लामाबाद से ना मेरी फ्रेंड आ रही है, कुछ दिन यही रुकेगी, बहुत ख्याल रखना, बहुत बड़े लोग हैं। वो क्यों आ रही है? जानी मैं भी यही पूछ रही हूँ। तुम तो चुप करो जरीना। जानी वो अपने बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आ रही है, उसका हस्बैंड भी उसके साथ होगा, और वो हमारे बिजनेस में भी हमें सपोर्ट करेगी। क्यों मैडम, क्या मैं काम सही से नहीं संभाल रहा? जानी मैं भी यही कह रही हूँ। तुम तो चुप करो जरीना। नहीं जानी, तुम बहुत अच्छा संभाल रहे हो, लेकिन जैसा चलना चाहिए ना वैसा नहीं चल रहा। तो वो लोग मार्केटिंग के लोग हैं, हमारा बिजनेस बढ़ेगा उससे। चले ठीक है, वैसे आ कब रहे? आज शाम की फ्लाइट से, बस ख्याल रखना उन लोगों का। चले मैं गाड़ी साफ करके आता हूँ। चमचो मेरे साथ। अरे बाबा। अरे अरे बच्चू भाई बात सुन ना। हाँ बाबा। हाँ बोलो बोलो, टाइम पास करना होगा ना तुम दोनों ने। अरे बच्चू भाई आप हमें ऐसा समझते हैं, हम तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आपको मुंह लगाता कौन है, लेकिन फिर भी आप हमारे लिए काबिल एहतराम है। वरना आपकी औकात ही क्या है, पर हम आपकी कदर करते हैं। हालांकि आपको मुंह लगाना फजूल है,
लेकिन फिर भी आप हमारे लिए अच्छे भाई से कम नहीं। हालांकि आप तो दुश्मनी के भी लायक नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग आपको एक अच्छा दोस्त समझते हैं। अरे अरे बाबा बस करो बस करो, इतनी इज्जत मत दो बाबा, मेरा हाजमा खराब, तबीयत खराब हो रही है बाबा, बताओ क्या बात है। यार बच्चू भाई, आजकल मोहल्ले में बहुत डकैतियां हो रही हैं। अच्छा? हाँ ना, आए दिन किसी ना किसी का मोबाइल छिन जाता है। अच्छा बाबा, लो जैसे कल मेरा मोबाइल छिन गया। अरे बाबा कहाँ से? घर से। घर से कैसे छिन सकता है बाबा किसी का मोबाइल? मैं पबजी खेल रहा था, अम्मा ने मेरा मोबाइल छीन लिया। अरे बाबा, अब अम्मा अम्मियों से कोई नहीं लड़ सकता है बाबा, वो तो छीनेंगी ना। यार बच्चू भाई, मोहल्ले में को गार्ड रख लेते, सब मिलकर उसको महीने की सैलरी दे देंगे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बाबा गार्ड से अगर किसी ने मोबाइल छीन लिया फिर? अरे गार्ड के पास तो गन होती है ना। अरे बाबा गार्ड की गन की बात करता है, वो सिर्फ खुजाने के लिए रखी होती है उन्होंने अपनी कमर को। हाँ तो बच्चू भाई, फिर इस मसले का हल क्या निकालें? अरे बाबा करना क्या है, कुछ सोचते हैं इस बारे में। अरे बाबा मुझे लग रहा है मशकूक लोग आ रहे हैं मोटरसाइकिल पे। बाबा भागो भागो बाबा भागो। आया आया आया, कौन आ जाता है? आई आई आई, जी फरमाइए। मेरा नाम मुस्कान है, सीमा है। अरे भाभी कैसी हैं आप? आप ही का तो इंतजार हो रहा था। सफर तो ठीक था, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? सीमा है जी, जी है। आइए चलिए चले। ओ भाई तुम कहाँ आ रहे हो? जाओ मैडम का सामान लेके आओ गाड़ी से। अरे भाई क्या हो गया, मेरे हस्बैंड है। आपका मेरा मजाक है? नहीं तो? तो फिर क्यों किया? तमीज से, ये मेरी बीवी है। तेरा मेरा मजाक है? नहीं तो? तो क्यों कर रहा है? क्या मजाक? जा मैडम का सवाल लेके। अरे भाई ये मेरी बीबी है। चले आप कहते तो मैं मान लेता हूँ, वैसे लग नहीं रहे। आप सीमा को बताएं जाएं। चले आप आए, लेकिन एक बात है। क्या? हस्बैंड ही हो ना तुम? आप रहने दे, हम खुद चले जाएंगे। चलो बेबी। हैं? बेबी? इतनी बड़ी बेबी? क्या मत करी भाई। लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ, तुमने मुझे अपनी शादी पे नहीं बुलाया। अरे सब इतना जल्दी में हुआ कि मुझे किसी को इनवाइट करने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा तुम नाराज नहीं हो, नेक्स्ट टाइम तुम्हें जरूर बुलाऊंगी। हैं? नेक्स्ट टाइम? अच्छा छोड़ो तुम इन बातों को, इनसे मिलो, ये मेरे हस्बैंड है बाबर। लगता है ये कम बोलते हैं। ये बोलने ही नहीं देते, वरना मैं तो... आप चुप कर जाएं। तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है? मेरे हस्बैंड अभी मिलवा देती हूँ। बच्चू बच्चू आ भी जाए। बाबा सीमा बोलो। बच्चों इनसे मिले, ये है मेरी दोस्त और ये इनके हस्बैंड। अच्छा बाबा कैसी हैं आप? और आप? आपको बाबा मैं जानता हूँ। मुझको? वो कैसे? कहीं देखा है बाबा मैंने आपको। कहाँ? यही तो याद नहीं आ रहा है। अच्छा बच्चों आप यहाँ बैठकर आराम से याद करें, हम कमरे में चलते हैं, वहाँ आराम से बैठ के बातें करें। आप इनके साथ बैठो। बाबा आ जाओ। मैं आ जाऊँ? नहीं नहीं बाबा आप बैठो, मैं आ रहा हूँ ना। कहाँ देखा है मैंने आपको बाबा? कहाँ? वही तो याद नहीं आ रहा है। चंगी बायम पिरायम सवाल का सेवता जिराना। आये आये जानी क्या हो गया? चरिया क्या शीशा लेकर है? क्यों असर है? क्या हो गया? अरे भाई मैं तो उस पे असर हूँ, पता नहीं कैसे कैसे को कैसी कैसी मिल जाते, बड़ी बात है। अरे किसी को कैसी मिल जाती, किसी की बात कर रहे हो तुम? वो सीमा की फ्रेंड नहीं है? उसके शौहर को देखो, ऐसा लग रहा है बाहर प्लास्टर का चबूतरा। जाने बुरी बात, किसी को ऐसे नहीं कहते, बुरी बात। अरे आ जा भाई। क्या हो गया प्लास्टर? क्या हो गया? अरे अरे बाबा उसका जोर। अरे 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 क्यों हो सर, मेरे को भी तो बताओ भला उसके बारे में क्या। अरे बात क्या है? अरे बाबा उसका जोर। उसके शोर में ऐसी क्या बात है? क्या होगा उसके शोर को? क्यों हंस रहे हो तन्ना? ओए ओए बच्चों भाई आपने बताया नहीं किसे मिल रहा हूं मैं? अरे अभी 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 ये तो मिस्टर बीन जैसा है। अरे आ बाबा ये तो मिस्टर बीन से मिलता है, वो कॉमेडी फिल्म वाला है जानी। मैडम ये दोनों क्यों हंसे जा रहे हैं? अरे बाबा मेरे को खुद पता नहीं क्यों इतना हंस रहे हैं। अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग क्यों हंस रहे हैं। अरे बाबा मिस्टर बीन को देखकर तो हंसी आएगी ना। एक आइडिया बाबा, एक आइडिया है बाबर भाई जी। क्या आप हमारा एक काम करोगे?
आप मेरे साथ चलो। कहाँ? आइए मैं आपको बताता हूँ। बच्चू भाई आप भी चलो। चलो बाबा चलो। आओ 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 इधर आओ। चलो बाबा चलो बाबा चलो। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। हाँ तुम सही कह रही हो, बाबर और मेरा कोई जोड़ तो नहीं है, लेकिन बाबा ने ना मेरे सुकून के लिए मेरी शादी पैसे वाले घर में कर दी है। लेकिन पैसे तो सब कुछ नहीं होता ना। लेकिन पैसा हो तो सब कुछ ही होता है। तो क्या तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई? अच्छा छोड़ो तुम इस बात को, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा बिजनेस कैसा जा रहा है? बहुत स्लो, बस गुजारा हो जाता है। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ तुम्हारे बिजनेस में। बट मुझे ये बताओ कि ये सब संभाल कौन रहा है? वो हमारा मैनेजर है ना जानी, वही संभालता है। वो तो बहुत बदतमीज है। क्यों, उसने तुमसे कोई गलत बात की है? नहीं मुझसे नहीं, बट मेरे हस्बैंड से। अच्छा क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, वो बस बाबर को देख के उनका मजाक उड़ाने लग गया। तो तुमने कुछ नहीं कहा? वो क्या है कि मुझे भी थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा था ना। डाले हाथ डाले हाथ डाले। हाँ हाँ ये बच्चू भाई इधर से आप। बाबा ये पहुंच नहीं रहा। हाँ ये हाथ ये बाबा ये चीज ये पहुंच रहा है। अरे गुड्डा कहाँ गया, इधर दिखाओ। डैडी दियो ना बाबा, अपने हाथ से दियो। ये सर ये भी पकड़े। अब बाबा आप बिल्कुल मिस्टर बीन लग रहे हैं। एक मिनट सेल्फी सेल्फी। हाँ बाबा सेल्फी लियो सेल्फी लियो। अब मुझे क्या करना है? बाबा बिल्कुल वही करना है जो जरीना ने किया है, सेल्फी के 5,000 और परफॉर्मेंस के 10,000 और टिकट ना फ्री में। मैं समझा नहीं। अरे बाबा रुको रुको मैं बताती हूँ। बाबा जिस तरह बंदर को देखने के लिए चिड़ियाघर में लोग टिकट लेके आते हैं, इसी तरह टिकट लेके आपको देखने के लिए हमारे घर में आएंगे। नहीं नहीं ये मेरे से नहीं हो सकता है, ये मेरे से नहीं हो सकता। अरे देखे थोड़ा सा काम कर लेंगे तो हमारा भला हो जाएगा, सालों की दोस्ती का क्या फायदा भला। ये पकड़े क्या मतलब सालों की कौन सी दोस्ती, अभी तो मुलाकात हुई, सालों की दोस्ती कहाँ से है? अरे बाबा हम तो आपको बचपन से जानते हैं, बचपन से देख रहे हैं। मेरे को? अरे बाबा हमारा मतलब है कि मिस्टर बीन को। ओ, मिस्टर बीन को ना, मैं मिस्टर बीन थोड़ी हूँ। अरे भाई ये तो हम जानते हैं, पब्लिक तो नहीं जानती ना। अरे बाबा आपकी थोड़ी सी मदद से हमारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे तो इसमें आपका क्या जाएगा? नहीं मुझे करना क्या होगा? ओहो वही जो मिस्टर बीन उल्टी सीधी हरकतें करता है वही। जैसे क्या आवाज़ें कैसे निकालता हो? कैसे बोला? ये बच्चू भाई को दिखाओ जरा। और विजय इसके अलावा क्या करना है? अरे बाबा मैं बताती हूँ, आप रेसल करते हैं ऐसे करते हैं। बाबा दिखाओ दिखाओ दिखाओ, इधर आ जाओ इधर आ जाओ। बाबा दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ऐसे करना ऐसे ऐसे ऐसे। ये कितना अच्छा है, ये देखो। बाबा बिल्कुल ऐसे करना है। हाँ बाबा ऐसे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कर, ये ऐसे ऐसे मुंह खोलना बाबा, घुटने का सर भी ऐसे हिलाना है। वाह सीमा चाय तो बहुत अच्छी है। क्यों नहीं होगी अच्छी, हमारे यहाँ खालिस दूध आता है और पानी मिला हुआ जाता है ना। वो तो काम का हिस्सा है ना। अच्छा सीमा मुझे बाबर नजर नहीं आ रहे, कहाँ है वो? अरे यहीं कहीं होंगे, मैं पूछती हूँ। जानी जानी। जी मैडम जी मैडम। आया जानी, वो बाबर साहब कहाँ है, नजर नहीं आ रहे? वो तो लॉन में एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो लेजी इंसान और एक्सरसाइज हो ही नहीं सकता। मैं खुद देख के आया हूँ। जानी सही सही बताओ। असल में ना हम सारे मिलके मिस्टर बीन की मूवी देख रहे हैं। बाबर और फिल्म? नहीं वो तो फिल्म में नहीं देखते। वो खुद कैसे देखेंगे, लीड कैरेक्टर खुद कर रहे हैं वो। जानी तुमने इन्हें कहाँ बिठाया हुआ, अंदर लेकर आओ, कुछ खिलाओ पिलाओ उन्हें। बस ठीक है जैसी फ्री होते ना मैं उनको ले आता हूँ। हाँ ठीक है अभी अभी ले आएगा वो। देखते नहीं ना आज फिल्म एक्सरसाइज। सबके साथ जब मिलते हैं तो कुछ ना कुछ चेंज होता है। हो सकता है। आइए आइए बाबा आइए, मिस्टर बीन जिंदा, मिस्टर बीन बाबा जिंदा, मिस्टर बीन। सेल्फी के 5,000 रुपए और परफॉर्मेंस के 10,000 रुपए बाबा। आ जाओ बाबा आ जाओ, जिंदा मिस्टर बीन बाबा। आ जाओ बाबा आ जाओ, सारे लाइन लगाओ बाबा लाइन लगाओ। हाँ बाबा परफॉर्मेंस या सेल्फी? दोनों
दोनों बाबा लाओ 10,000 रुपए। ये तो बहुत ज्यादा है बाबा। देखना देखो नहीं देखना निकलो हटो। अच्छा चलो ये लो पैसे। ठीक है देखते हैं। पूरे है ना बाबा 10,000? पूरे है पूरे बाबा। गिनो छप्पड़ में गिरो। हाँ बाबा आओ। हाँ बाबा सेल्फी, तुम सेल्फी लेना जाओ ईमानदारी से जाओ। पकड़ो बाबा 5,000 का नोट है। हाँ बाबा तुम बोलो। अरे मैं तो स्टूडेंट हूँ ना। तो स्टूडेंट है तो तुम्हें कंसेशन नहीं मिलेगा बाबा, बगैर पैसे के देखने भी नहीं देगा। क्या अपने अदा का दिमाग बाबा। सबसे पहले तो मैंने आइडिया दिया था ना, मैंने देखा था उसको। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। पहले आप चले जाएं। नो नो नो, लेडीज फर्स्ट। ये खट्टा मीठा हाउस यही है ना? चक्कर देख लें। मेरा मतलब है यही है, मेरे बहुत पुराने जानने वाले हैं। वैसे तो मेरे पीछे हजारों लड़कियां घूमती हैं, आप कौन हैं? मैं शुमाइला हूँ, मुझे जानी साहब ने बुलवाया, शो देखने आई हूँ। अरे वो जानी नौकर, शो को छोड़े भाई, आप मेरे साथ चले, मैं आपको किंग कॉन्ग दिखाता हूँ। वो तो मैं अभी भी देख रही हूँ। कहा है भाई, मुझे बहुत डर लगता है। मैं आपकी बात कर रही हूँ। अच्छा, मुझे किंग कॉन्ग मत कहिएगा, वो लड़की उठा के ले जाता है। जी नहीं, वो उसे प्यार करता है। लगता है आप फिल्में बहुत शौक से देखती है। जी आपने वो देखी आई लव यू? ये कौन सी फिल्म है? ये नहीं देखी तो कुछ भी नहीं देखी, बेहतरीन फिल्म है, उसका हीरो भी मैं ही हूँ। आप हीरो हैं? क्यों, मैं हीरो नहीं लगता? किसने कहा? ले कल कंडक्टर कह रहा था मुझे हीरो थोड़ा सा आगे हो जाए। अच्छा अब मुझे अंदर जाने देंगे आप? अरे छोड़े अंदर को, बाहर चलते हैं, घूमते फिरते, चाट गोलगप्पे, ये वो मजा आ जाएगा। हाँ सही है, तो फिर वापसी में आप मुझे 50,000 तक की शॉपिंग भी करवा दीजिएगा। अबे खामोश। आराम से भाई, आराम से। जी बच्चे भाई। बाबा सबर करो। अरे बाबा आप सबकी भरपूर तालियों में मिस्टर बीन। बच्चू भाई मजा लिया, जरीना आप करो। बाबा तालियां बजाओ मिस्टर बीन के लिए। सीमा बाबर नजर नहीं आ रहे, अब तो रात भी होगी, कहाँ है वो? अरे जाना कहाँ है, यही कहीं होंगे, आते होंगे बस। ये तालियों की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है बाहर कोई मैच हो रहा है। अरे नहीं नहीं, हमारे घर के पास कोई ग्राउंड नहीं है, और देखो टीवी भी बंद है। लेकिन तालियों की आवाज तो फिर भी आ रही है, मुझे लगता है कि बैट्समैन ने सिक्स मारा है। अरे नहीं नहीं भाई, शोर वाली तालियां, जरा गर्म जोशी के साथ तशरीफ लाते हैं आपकी भरपूर तालियों में मिस्टर बीन। अरे बाबा उठो, बाबा उठो, बाबा करो बहुत तालियां, एक दफा और तालियां। अरे खामोश, ये सब कुछ क्या हो रहा है? और ये मिस्टर बीन, ये कहां से आए? अरे ये तो बाबर है, इन्हें मिस्टर बीन किसने बनाया? ए बाबा, बच्चू भाई सीमा ये क्या बदतमीजी है? अब भी बताती हूँ मैं तुम लोगों को,
बाबा बच्चू भाई जरीना बच्चू, मैडम का सामान कमरे में रखो, फटाफट मेरी गाड़ी जो है ना वो साफ कर दो। आजकल के भी जहां नौकर तो बा। तुमने भी ना अजीब और गरीब नौकर रखे हुए हैं, बंदा कोई पढ़ा लिखा नौकर ही रख लेता है। अरे हमारे गांव का है असल में। तुम कहीं जा रहा है क्या? कहीं नहीं जा रहा, मरने जा रहा हूँ। अच्छा तो ठीक है ना, खाना पका के चले जाना। सोच ले, एक वक्त का तो खा लेंगे, उसके बाद क्या होगा? अरे बाबा, तुम्हारे मरने के बाद स्वयं तक दो दिन तो बाहर से बिरयानी आती रहेगी ना बाबा, तो बाद में देखेंगे क्या करना है। नौकरानी की दोस्तों, निकलो यहाँ से। आइंदा तुम लोग मुझे अगर यहाँ नजर आई ना तो फिर देखना, निकालो तुम इनको खुद ही अपनी जुबान से और काम पर लगो। निकलो, जाओ। मेरा प्यारा भाई, तुम्हें पता है ना कि पापा ने कभी भी तुम्हें नौकर या मैनेजर नहीं समझा, हमेशा अपना बेटा समझा। क्यों बच्चू? नहीं बाबा, मैंने तो हमेशा ऐसे जलील होते ही देखा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके लिए लड़की अमेरिका से आ रही है। मैडम को काम है, पूछो क्या काम है। एक तुम पागल, ऊपर से तुम्हारी बहन पागल। उठाओ इसको यहाँ से, वरना मैं इसको उठा के बाहर फेंक दूंगी। अबे ओ, हाथ लगाने की कोशिश की ना तो मैं तेरा LLB निकाल दूंगा, चुप कर। LLB नहीं, LA, किस्मत की बात है। होनहार, पढ़ा लिखा, तमीज का, सलीके वाला लड़का बदनसीबी होगा जो उसको मना करेगा। मेरा अगर आपने स्टैंडर्ड सुन लिया ना तो पाव तले से जमीन निकल जाएगी। हाँ तो बाबा, वापस कब आएगी? क्या पापा, जमीन जो पैरों के तले निकलेगी? जितनी जिलत हमें उठानी पड़ी है ना, इतनी कुर्बानी तो तुम्हें भी देनी पड़ेगी। सब बातें छोड़े, एक कप मलाई मार के ना जरा अंदर भेज दो। जानी बाबा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे बाबा इस तरह मत रो, लोग समझेंगे कि हम तुझे ज़िबा कर रहे हैं। अबे कुछ कर यार, वरना ये हमें किसी और केस में अंदर करवा देगा। अरे बाबा मैं क्या करूँ, अगर ये भैंस होता ना तो उसे मैं फिर भी चुप करवा सकता था। देखा दूरे, देखा, किसी को मेरी परवाही नहीं है, मैं खुद किसी करने जा रहा हूँ। नहीं नहीं बाबा, कहीं नहीं जाओ बाबा। मीठा।